हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिव्यू पंडित। और इस वीडियो में बात करेंगे जो कल की 2018-19 का पहला ग्लिम्स है, जिसमें अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है एज अश्वत्थामा। और अगर आप लोगों ने रिएक्शन वीडियो नहीं देखा है इसका तो जाकर के देख लेना, ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा तो उसको जाकर के जरूर देख लेना। और बात करते हैं इस वीडियो में थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में, क्योंकि एक मिनट का ग्लिम्स आया तो ज्यादा कुछ नहीं है, बट बेसिक हमें चीजें थोड़ी बहुत पता चल रही है। स्पेशली अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जो यहाँ पे हमें मूवी में देखने वाला है वो काफी अच्छा लग रहा है देखने में, जिस तरीके का गेटअप है उनका, जिस तरीके का लुक है। और वन ऑफ द मनी शॉट कह लो या जो इस ग्लिम्स ने हाइप बनाई वो है अमिताभ बच्चन सर का डी एजिंग वाला सीन, जहां पे उनको डी एज कर रखा है और वो काफी अच्छा लग रहा है, सीरियसली काफी अच्छा लग रहा है। तो मतलब अगर आप उस चीज को लेकर के देखें कि यहाँ पे कितना VFX हैवी यूज हो रहा है या किस तरीके से मूवी को दिखाया जा रहा है, तो वो थोड़ा बहुत हमें प्रोमिसिंग फील देता है और वो चीज थोड़ी बहुत मूवी को हाइप भी बना रही है, क्योंकि वो देखने में अच्छा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके का गेटअप दिखाया गया है अश्वत्थामा का, अमिताभ बच्चन सर का, और इतना भी बैकग्राउंड में दिखाया गया, और वो जो बच्चा वहां पे दिखाया गया, तो उसका मेरे को आइडिया नहीं कि वो किस लैंग्वेज में बात कर रहा था, ये आप लोग मेरे को जरा कमेंट में बता देना। बट इन्होंने एक जो अच्छा टेक लिया, इन्होंने मल्टी लैंग्वेज में रिलीज नहीं किया कि हिंदी के लिए अलग, तेलुगु के लिए अलग, तमिल के लिए अलग, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने एक एक ग्लिम्प्स निकाला। और अगर हम यहाँ पे बात करें अश्वत्थामा की जो इस मूवी के अंदर में दिखाया जाएगा, तो इसके माथे पे एक मणि दिखाई गई है। और जितना मुझे याद है, जो मैंने महाभारत देखी है, जो मैंने सुना है अपने पेरेंट्स से या जितने भी लोगों से मैंने जो भी सुना है, कि जब महाभारत का एंड हुआ था तो कृष्ण जी ने उनकी मणि ले ली थी, और उनके माथे से अभी तक भी जो कहा जाता है कि वहां से पस बहता है। इस मूवी के अंदर तो मणि दिखाई गई क्योंकि वो चमक रही है, तो हो सकता है हमें मूवी के अंदर दिखाया जाए कि जो मणि है वो अश्वत्थामा को वापस से मणि कैसे मिली है। जितना मेरे को याद है कि महाभारत के एंड में जब कृष्ण जी ने मणि ली थी तो उन्होंने कहा था कि अब तुम तब तक नहीं मर सकते जब तक मेरा 10वां अवतार नहीं होता कल्कि का, उसके बाद तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता, तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं। तो वो यही एरा दिखाया जा रहा है जहाँ पे कल्कि का अवतार हो चुका है और अश्वत्थामा जो है उनका समय आ गया है अब उनके साथ जुड़ने का उस लड़ाई के अंदर। और इस मूवी के अंदर जो ईयर दिखाया जा रहा है वो है 2018-98, और एक ये डिस्टोपियन मूवी है। हालांकि हमने एक मूवी पहले देख ली है गणपत, जो कि खुद डिस्ट्रॉय हो चुकी है इस वर्ल्ड को दिखाने के चक्कर में। आई होप कि ये ना हो, क्योंकि अभी तक तो ये मेरे को काफी अच्छी लग रही है, हाइप बना रही है। और जहाँ पे अमिताभ बच्चन सर का यंग वाला पार्ट दिखाया गया, तो वहां पे हो सकता है महाभारत के टाइम का बैटल का वर्ल्ड हो या उसकी एंड का पार्ट हो, कुछ ना कुछ हो सकता है वहां का पार्ट हमें दिखाया जाए मूवी के अंदर। क्योंकि अश्वत्थामा का कैरेक्टर डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट होना चाहिए कि महाभारत के एंड के बाद अश्वत्थामा का क्या हुआ, उन्होंने कैसे इतने सालों तक सर्वाइव किया, इतने दशकों तक उन्होंने सर्वाइव किया। और जब अमिताभ बच्चन अपना रिवील करता है कि मैं अश्वत्थामा हूं, तो उनके आप वहां पे देखोगे हाथ में कुछ है, कुछ बॉक्सा है, तो वो बॉक्स के अंदर क्या है, वो मणि है या क्या है, वो तो अभी तक हमें क्लियर नहीं हो। मे बी टीजर या ट्रेलर में हो सकता है या मूवी के अंदर ही रिवील करे कि उसके अंदर क्या है। मेरे हिसाब से या तो उसके अंदर मणि हो सकती है। आप लोग यहाँ पे बताना कि आपको क्या लगता है कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, और हो सकता है कि मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर है जो कि मैंने अपने टीजर रिएक्शन में बोला था, तो उन सबको कैरेक्टर का भी ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया जाए एक एक करके। और जो हमने मूवी का पहला ग्लिम्प्स देखा था जो कि कुछ आई थिंक 8-10 महीने पहले देखा था, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर थे उसमें था प्रभास, दीपिका, अमिताभ बच्चन सर, कमल हसन सर और दिशा पठानी, तो हो सकता है इन सबको भी ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराया जाए, एक एक इनका इंट्रोडक्शन वीडियो निकाली जाए, जो कि एक काफी अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकता है। और टीजर आने से पहले आप ये कर भी सकते हो, ऐसे एक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो कि अच्छा लगेगा। और कहा जा रहा है मूवी रिलीज होने से पहले एक एनिमेटेड मूवी या शॉर्ट फिल्म आएगी, जिसमें आपको इस वर्ल्ड के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। जहाँ पे एनिमेटेड मूवी खत्म होगी उस एंड के आगे से इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा, इस वजह से वो एनिमेटेड मूवी को रिलीज पहले किया जाएगा, जो कि हमें मई में आई थिंक देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पहले जो अपडेट आए थे कि 9 मई को मूवी रिलीज होगी, तो उसको तो मेरे को लग रहा है पोस्टपोन इन्होंने कर दिया, और ये
मे बी जून जुलाई के अराउंड रिलीज हो सकती है मूवी। अभी तक इन्होंने कोई भी डेट कंफर्म नहीं करी है। अगर आप लोग सोचो कि 9 मई को रिलीज होने वाली है तो वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आज हो चुकी है 22 अप्रैल और दो हफ्ते के अंदर अंदर हमें ना ही टीजर देखने को मिलेगा, ना ही ट्रेलर देखने को मिलेगा और ना ही वो एनिमेटेड हमें मूवी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से हो सकता है कि मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया हो और ये मोस्ट प्रोबेबली चांस बन रहे हैं इसके कि जून या जुलाई में रिलीज हो सकती है या अगस्त में भी जा सकती है मूवी। तो हो सकता है कि डेट समय जल्दी ही कंफर्म हो जाए और इसका टीजर हमें देखने को जल्दी मिल जाए, जो कि मैं काफी उम्मीद करता हूँ कि हमें मई के अंदर टीजर देखने को मिल जाना चाहिए इस मूवी का। और आई होप कि प्रभास की ये मूवी अच्छा काम करे, क्योंकि अभी तक तो पहला लुक पहला ग्लिम्प्स इसने तो काम कर दिया, इसने अपना हाइप बना दिया, ये देखने में बढ़िया लग रहा है। सो आई होप कि मूवी भी अच्छी हो, प्रभास का जो इतने टाइम से फ्लॉप मूवीज का सीन चल रहा है वो भी अब बंद हो जाए और एक उन्हें भी अच्छी मूवी मिल जाए। और हम भी चाहेंगे कोई कि ऐसी मूवी इंडिया की तरफ से बने, अच्छी आए, जिसको हम कहें कि हाँ भाई कुछ तो बढ़िया किया है अपने बॉलीवुड वालों ने भी, अपने फिल्म इंडस्ट्री वालों ने। बाकी आप लोग अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि मूवी कैसी होगी और क्या हमें देखने को मिल सकता है, और आप लोगों को क्या लगता है कि हमें मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा और आप लोग कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर, क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इस मूवी को देखने के लिए। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।